हेलो माय डियर अनएक्सपेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल आर इस। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। तो हर दिन की तरह सुबह सुबह हम बना रहे हैं अपने किचन में चाय। तो आ जाइए सब मिल करके पीते हैं चाय। तो चाय बन करके रेडी है, आ जाइए सब मिल करके, सारे भाई बहन एंड सारे फ्रेंड्स मिल करके पीते हैं चाय। और दीदी बताइएगा ये चाय कैसी है। कोशिश किए हैं अपनी तरफ से आपके लिए चाय बनाने की। और आज हम बनाने जा रहे हैं ना कमल गट्टे का हलवा। ये मतलब बहुत फ़ायदा करता है आँख की रोशनी के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको भिगो देते हैं, सूखा मिलता है मार्केट में, खड़ा खड़ा भी मिलता है और इस तरह से कटा हुआ भी मिलता है। तो हम कटा वाला ही मंगाए थे, मेरा बेटा ले आया था। तो इसको हम भिगो दिए हैं रात में और इसको इस तरह से छील लिए हैं। इसी में छुहारा और भी जितने भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाला जा सकता है, काजू बादाम पिस्ता जो भी मन, इसमें एक साथ ऐड करके भिगो करके इसको पीसना है तो पीस लेंगे, इसको बनाया जा सकता है। और इससे आँख की रोशनी में काफ़ी सुधार आता है। अगर आँख में कम दिख रहा हो या आँख दर्द करता है, सिर दर्द करता है, तो उसमें बहुत फायदेमंद है ये। जब आँख की ऑपरेशन होती है किसी की, मोतियाबिंद की ऑपरेशन होती है, तो इसको डॉक्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए। मेरी सासू माँ का हुआ था आँख का ऑपरेशन, तो उनको खाने के लिए बोला गया था। तो क्योंकि उनको शुगर था तो उसमें गुड़ हम नहीं डालते थे, ऐसे ही बनाते थे, पर ज़्यादा बनता था और बोलते थे कि तुम लोग अपने में गुड़ डाल करके फिर से पका लो और उसको खाओ, तुम लोग भी खाओ, तुम लोगों की भी आँख की रोशनी सही रहेगी, हमेशा बोलती थी। तो इस समय घर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है सभी को, खास करके मुझे आँख की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बेटा बोला कि उस समय दादी खाती थी, दादी बोलती थी हम ले आ रहे हैं आप खाइए, नहीं तो फिर आपका आँख का इलाज करवाना पड़ जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा मत कीजिए माँ, हम ले आ रहे हैं आप बनाइए और खाइए। वही ले आया था। तो हम आँख की रोशनी आए या ना आए पर बनाए और खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी बहुत ही अच्छा लगता है, तो बच्चों को भी पसंद है। तो हम कहे ठीक है हम बनाएंगे, तुम लोग भी खा लेना। तो उसी तरह बनाना, सबसे पहले उसको भिगो दिए थे, भिगो करके छील करके पीस लिए मिक्सी में, और इसको थोड़ी सी घी डाल करके, घी अपने हिसाब से डाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कितना ही डालना है, कम ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें, कोई कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पानी डाल करके खूब भूनना है, खूब भून लेंगे, जो पानी एक्स्ट्रा पानी हम डालेंगे वो सूख जाएगा, वो जब सूख जाएगा तो जो मेरा जितना बैटर हम पीसे रहेंगे उतना जब ठहरेगा तो इसमें गुड़ ऐड करते हैं। गुड़ को हम धो करके डालें क्योंकि गुड़ में भी गर्दा वगैरह डस्ट वगैरह पड़ जाता है ना सॉफ्ट पे, इसलिए गुड़ हमेशा हम धो करके ही किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं। और अब साथ में हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, कम पानी में नहीं, जैसे आटे वगैरह का हलवा बनता है ना बेसन का, तो उसमें कम पानी पड़ता है, उस तरह से नहीं, जैसे सूजी का या सिंघाड़े का आटा का हलवा हम बनाते हैं उस तरह से इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पकता है ये, पकेगा और पकने के बाद इसको ठंडा होने पर भी जितना ये ठंडा होगा उतना ठीक सा होगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं उतारेंगे। तो और गरम गरम खाया भी जाता है इसको, तो बना कर रख दीजिए आप, 3-4 दिन तक खाया जा सकता है, गर्म करके भी खाइए, ऐसे भी खाइए, ख़राब नहीं होता है। ये नहीं कि तुरंत बनाओ तुरंत खा के ख़त्म करो, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा, एक तो ये दवाई की तरह है तो थोड़ा थोड़ा खाइए, सुबह मंजन ब्रश करने के बाद थोड़ा सा खा लीजिए तो उसमें ज़्यादा फायदा करता है। टेस्ट के लिए खाना है तो कभी भी खाइए, पूरी पराठा के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और हम बना रहे हैं तो आप लोग तो खा ही लीजिए, पर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने घर में भी बना कर खाइए, एक बार देखिएगा कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए इस तरह से पक पक के अब मतलब पूरा कलर आ गया है। और जो ड्राई फ्रूट था जो हम भिगो के पीसने के लिए बोले थे तो उसको हम इसमें काट करके डाल दिए हैं, थोड़ी सी गरी को रेत दिए, किशमिश काजू बादाम और छुहारा ये सब था, उन सबको काट करके इस तरह से डाल दिए, इससे क्या होता है कूचने में अच्छा होता है, कूचने में अच्छा लगता है। और चाहे तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इच्छा वैसे बनाए, पर होता बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद भी है और टेस्टी भी होता है।
इसका कलर देखे कितना सुंदर हो गया, बिल्कुल सफ़ेद था ना, लेकिन कितना पहले रेड हुआ भूनते भूनते, फिर अब लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। मेरे बेटे को घी और तेल ऊपर ऊपर दिखना नहीं चाहिए, वो चाहे जितना भी ऐड करके बनाइए पर दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम बहुत थोड़ा सा ऊपर से ऐड किए हैं। ये देखिए बन के इस तरह से तैयार हो गया है, और थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए गरी रेत करके ऊपर से डाल दिए हैं, गार्निश कर दिए हैं, नहीं तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना गार्निश के भी खाया जा सकता है। तो बताइएगा कैसा लगा, और सबसे पहले आप लोग खा लीजिए, वफर सिस्टम में लगाए हैं, प्लेट निकालिए और निकाल करके खाइए और बताइएगा कैसा लगा, और आप लोग अपने अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत फ़ायदेमंद है, आयरन कैल्शियम से प्रचुर मात्रा में इसमें है, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये चावल है, थोड़ा सा चावल जब फटकते हैं ना तो थोड़ा जो खुद्दी जो आगे का निकल जाता है उसको हम धो देते हैं, धो करके पीस करके आटा बना करके तैयार कर लेते हैं, कभी किसी किसी चीज़ में हमें चावल के आटे की भी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत नहीं बन पाता है, इसलिए इसको हम इस तरह से भिगो करके हल्का सुखा करके, ज़्यादा नहीं सुखाना है, और पीस करके आटा बना करके रख लिए हैं। और इसका हम क्या बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए, थैंक यू।